थाना घमापुर अंतर्गत काजघर में बाइक सवार स्वशासी विज्ञान महाविद्यालय के छात्र और साथी युवक की बाइक को बीच रास्ते में रोककर तीन आरोपियों ने जमकर मारपीट कर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद दोनों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर 307 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में लिया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार शिंदे के जानकारी अनुसार बताया गया कि रामफल कुमरे एवं कन्हैया उइके चाकू से घायल होने के बाद मेडिकल में भर्ती कराए गए हैं। कल रात में करीबन 10:30 से 11:15 बजे की घटना ये थाना घमापुर के क्षेत्र के अंतर्गत की है। इसमें जीआरपी पुलिस लाइन जो है जीआरपी लाइन के जो क्वार्टर्स बने हैं उसके पास की घटना ही है। इसमें दो लड़के रामफल और कन्हैया कुमार अपने साथी जो कि पुलिस में ही कांस्टेबल है इंद्र कुमार के घर पे गए हुए थे और जब वापस हो रहे थे अपनी बाइक से तो वहीं तिराहे के पास में तीन अज्ञात लोगों के द्वारा उनको रोक करके उनका मोबाइल मांगा और उनके द्वारा मना करने पर उनके साथ में चाकू से मारपीट किया है धारदार हथियार से। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया है। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है और हम शीघ्र ही सभी आरोपियों को इसमें राउंड अप कर लेंगे और जो भी इसमें एविडेंस आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे कार्रवाई करेंगे। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को हलका पटवारी बरेला की ममता मोटवानी को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति वारी द्वारा एक नक्शा पास करवाने के लिए पीड़ित से रुपयों की मांग की जा रही थी। लगातार हो रही परेशानी के चलते पीड़ित ने मामले की जानकारी लोकायुक्त पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित से बात करने को कहा और जब पीड़ित ने रुपयों की बात की तो 13,000 में तय हुआ, जिसके बाद जब पीड़ित पटवारी के कार्यालय में रिश्वत की रकम देने पहुंचा और जैसे ही रिश्वत दी जा रही थी तभी लोकायुक्त पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए भ्रष्ट पटवारी सहित एक कोटवार को भी गिरफ्तार कर लिया है। लोकायुक्त पुलिस ने मामले में सह आरोपी रिटायर्ड कोटवार प्रकाश झारिया को बनाया गया है। पिछले दिनों 3 तारीख को ये राजेंद्र प्रसाद श्रीपाल करके प्रार्थी हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि बरेला स्थित उनकी कृषि भूमि है 1 एकड़ 1 डिसमिल, तो उसका सीमांकन हो गया है, बटांकन हो गया है, बट नक्शा पास नहीं हो पा रहा है। तो क्योंकि नक्शा पास कराने के लिए पटवारी ममता मोटवानी पैसों की डिमांड कर रही हैं, तो पहले 15,000 रुपये मांगे थे, फिर बाद में नेगोशिएशन होके बाद 12,000 रुपये तय हुए, तो आज दिनांक को 12,000 रुपये लेते हुए उनको रंगे हाथों पकड़ा है। जिस वक्त श्रीपाल द्वारा प्रार्थी के द्वारा उनको पैसे दिए जा रहे थे तो उन्होंने डायरेक्ट पैसे ना लेके यहाँ पर एक कोटवार है जो पहले बरेलाई एरिए का कोटवार था, दो वर्ष पहले रिटायर हो गया है, उसके माध्यम से पैसे लिए हैं। जब उससे बात की गई तो उसने ये बताया कि मैडम मुझे 100-200 रुपये दे देती थी, इस तरह से आज ही कार्यवाही संपन्न हुई। मेरा खेत बरेला हाईवे के पास में है और वो रिंग रोड में जाने वाला है मेरा रोड, तो मैंने इसके लिए अपना पूरे पेपर लेके आया था मैडम के पास में कि मैडम मेरा कहाँ से खेत जा रहा है। मेरे पास सारा नक्शा पहले से आज से 20 साल पहले 2005 में उसका बटांक हो चुका है और वो कटा हुआ है नक्शा, तो मैंने मैडम को दिखाया तो मैडम कहती नहीं ये कटा नहीं है, ये हम इसको नहीं मानते। मैंने कहा ठीक है तो अब इसकी क्या प्रक्रिया है, तो बोला आप बटांग का आवेदन लगाओ। मैंने बटांग का आवेदन लगाया, ये वहाँ नाप करने के लिए बटांग के लिए तो करके नहीं आई, ऐसी देखी दाखी चली, बोला आपका यहाँ खेती नहीं है। मैंने कहा बोला पूरा आप इसको खसरा जितना है उसका आप नाप कर दो, तो इन्होंने क्या क्या बोला इसका आप फिर से आवेदन लगाओ। तो मैंने पूरे खसरे का नाप का मैंने सीमांकन का आवेदन लगाया, सीमांकन का आवेदन, फिर उसके बाद आरआई पटवारी सारी टीम गई वहाँ खेत में, देखा है इन्होंने, तो बोला वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आप प्राइवेट नाप करा लो हम उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। फिर मैंने 10,000 रुपये दिया तो मैंने प्राइवेट नाप करवाया, प्राइवेट नाप करवा के इनको दिया तो इन्होंने देखा बोला हाँ ये ठीक है आपका हो गया है और नक्शा अक्सर इन्होंने पटवारी मैडम ने बना के रख लिया। अब इसके बाद इन्होंने मेरे से डिमांड की कि वो नक्शा पास कराना है तो तहसीलदार से पास कराना पड़ेगा और तहसीलदार इसके लिए पैसे लगेंगे आपको। मैंने कहा मैडम कितने पैसे लगेंगे, मुझे लगा 1,000-2,000 रुपये लगेगा तो कोई भी दे सकता है, तो बोले नहीं वो 15,000 रुपये लगेगा। तो मैंने कहा मैडम 15,000 तो ज़्यादा है, इतना बोल के आ गया। फिर मैं लोकायुक्त गया, वहाँ मैंने कंप्लेंट शिकायत की, शिकायत करने के बाद उन्होंने मुझे टेप दिया कि आप आओ वहाँ आके और फिर से आप
बात करूं। जब मैंने इनसे बात की तो 12,000 में हमारी बात तय हुई कि हम 12,000 रुपये लेंगे, आपका नक्शा पास करा के हम आपको दे देंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे शुक्रवार को बुलाया था कि आप शुक्रवार के दिन आना, भी बीच में छुट्टी चल रही, मैं छुट्टी में हूँ अभी, मैं नहीं मिलूँगी, आप शुक्रवार के दिन आना तो शुक्रवार के दिन आपका काम हो जाएगा। तो मैं आज फिर पैसे लेके और टेप लेके आया यहाँ पे। रांची थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को एक वर्ष पश्चात गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। हत्यारों के ऊपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। वहीं पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन वह पूरे एक साल तक पुलिस से आंख मिचोली खेलता रहा। लेकिन जब वह होली मनाने अपने घर पहुंचा तो पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी, जिसके बाद घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए रांची थाना प्रभारी सहदेव राम साहू ने बताया कि रांची क्षेत्र में विगत वर्ष चाचा किराना स्टोर के पास एक हत्या की घटना घटित हुई थी। विगत साल में नवरात्रि में एक मेजर किराना स्टोर रांची के पास में हत्या हुई थी। हत्या के बाद हत्या करने वाला आरोपी शुभम कौर काफी फरार हो गया था। उसके फरारी के लिए मैंने न्यायालय से वारंट जारी करवाया था और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करा करके प्रहारी की घोषणा करवाया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था गिरफ्तार करने वाले या सूचना देने वाले के लिए, और मैं लगातार उसके लिए प्रयासरत था। अंततः अभी परसों रात में गश्त के दौरान ऐसी सूचना मिली कि वो होली त्यौहार मनाने के लिए आया हुआ है और उसके घर में जाकर के दबिश दी तो भाग गया। फिर मैंने आसपास की अपराध के फोर्स को बुलवाया, पूरा घेराबंदी करवाया और रात को करीब 3 बजे वो राउंडअप हो गया और माननीय न्यायालय में पेश करके उसको जेल दाखिल कर दिया गया है। इस प्रकार से एक हत्या के फरार मुजरिम को गिरफ्तार करने में रांची पुलिस को काफी अहम सफलता मिली है। गौर चौकी अंतर्गत एक रिजॉर्ट में युवक के दो गुटों के बीच डीजे साउंड बंद करने को लेकर हुए विवाद में मारपीट की घटना सामने आई है। मारपीट करने वाले आरोपियों में एक भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद का बेटा भी शामिल है, जो घटना के बाद से फरार है। इस मारपीट में एक युवक के हाथ में चाकू भी लगी है। पीड़ित युवक की शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य युवकों की तलाश की जा रही है। दिनांक 8/3/2023 को 9:30 बजे की बात है। जो प्रार्थी है करण बलहारा, पिता सुरेश बलहारा, उम्र 29 साल, निवासी साउथ सिविल लाइन, थाना सिविल लाइन जबलपुर का। ये लोग थे अपने दोस्तों के साथ, तो जो होटल पचरी जहाँ में कोटेज हैं उन कोटेजों में रुके हुए थे। बाजू वाले कमरे में जो दूसरे लोग थे, हितान सेठी, राजवीर आनंद, सौरभ शर्मा वगैरह, वो लोग भी रुके हुए थे। तो जो घर से साउंड बॉक्स ले आए थे उसको बजाने के ऊपर इन लोगों में आपस में विवाद हो गया। विवाद पर करण बलहारा का मुलाजा कराया गया। करण बलहारा की तरफ से अपराध कायम किया गया 294, 323, 506, 34। शाम के समय मतलब करीब रात 9, 9:30 बजे राजवीर आनंद, हितान शेट्टी और सौरभ शर्मा, ये लोग कुछ डीजे बंद कराने पे विवाद हुआ, तो इन लोग के पास दो चाकू, एक पिस्टल ये लोग लेके उनसे बातचीत हुई कि डीजे की आवाज़ कम कर लो। तो उसके बाद इनके पास इन लोग ने विवाद चालू कर दिया, गाली गलौज चालू की, कमरे में आके फिर इन लोग ने हाथापाई करनी चालू की और चाकू से हमला किया, जो कि हितान शेट्टी के हाथ से चाकू साथ में बरामद भी हुई जब पुलिस आई। और राजवीर वहाँ से, राजवीर आनंद भाग चुके हैं, वो पार्षद पुत्र हैं, लवली कौर आनंद के सुपुत्र हैं, वो पार्षद हैं, वार्ड नंबर दयानंद सरस्वती वार्ड से वो पार्षद हैं। ऐसा घायल हुआ था, मैं ही घायल हुआ था, मेरे को चाकू भी लगी थी हाथ पे और उनके हाथ से वो चाकू बरामद भी हुआ है और पुलिस ने वो उसको आर्म्स एक्ट के तहत हितांश सेठी को अरेस्ट भी किया था। जबलपुर में रांची में इन दिनों धड़ल्ले से अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, जिसको लेकर अब पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस ने लगातार छापेमार कार्यवाही के बाद भी शराब तस्कर पुलिस के शिकंजे से बचकर निकल जा रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने सभी शराब तस्करों पर अपनी पैनी नजर रखी हुई है। वहीं मुखबिर से सूचना के बाद पुलिस ने फक्कड़ बाबा मंदिर के नजदीक बड़ा पत्थर में दो कैन में शराब लेकर जा रहे आरोपियों को दबोचा है। हाँ, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के द्वारा हम लोगों को लगातार निर्देश दे रहे हैं कि होली पर हमें किसी भी प्रकार से
शांति व्यवस्था भंग नहीं होना चाहिए, चाहे वो अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हो, अवैध शस्त्र रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, अवैध विस्फोटक पदार्थ रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, गुंडा बदमाश कार्रवाई हो, उसमें निरंतर हम लोग एक एक चप्पे चप्पे एक एरिया डोमिनेशन करके और चिन्हांकित करके बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। इसी सिलसिले में आज शराब आरोप अवैध रूप से शराब बेचने के लिए अपने कब्जे में रखा था सौरभ चौधरी, ये फक्कड़ बाबा एक एरिया है रक्षक नगर में, वहाँ वो रहता था, अवैध रूप से शराब बेचता था, काफी पहले भी और पकड़ा गया है, उसके 6-7 मामले भी हैं, उसको करीब 60 लीटर कच्ची शराब में पकड़ा गया है और 34-2 की कार्रवाई करके उसको जेल दाखिल किया गया। इस प्रकार एक भारी मात्रा में अवैध शराब बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने में सफलता मिली। जबलपुर के मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों के द्वारा मिशनरी की जमीन को प्राइवेट बिल्डरों को बेचे जाने के मामले को लेकर द यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से मिशनरी की जमीन को खुबूद करते हुए मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों के द्वारा जमीनें कमर्शियल उपयोग के लिए बिल्डरों को बेच दी गई। ये क्या है, मिशनरी की जमीनें हैं जो अंग्रेजों ने इंडिया में छोड़ के गए थे और चर्च ऑफ इंग्लैंड हुआ करता था पहले, अब उसको जो ज़मीनें छोड़ी तब चर्च ऑफ इंडिया के नाम से उसको कर दिया गया, जिसकी सारी संपत्तियां जो है वो हमारा UCNI ट्रस्ट एसोसिएशन ज़मीनों की देखरेख करता है, संभालता है उसको, इसकी अनुमति के बिना कोई भी ज़मीन बेची नहीं जा सकती। परंतु यहाँ पे जो देख रेख करने वाले लोग थे जिनके का दायित्व था कि वो समाज का काम करें, प्रचार प्रसार करें और अपने सदस्यों की देखभाल करें और उनके जीवन यापन की व्यवस्थाओं को देखें, उन्होंने मौक़ों का फ़ायदा उठाते हुए सब चीज़ों को निजी रूप से इस्तेमाल करने लगे और नाम परिवर्तन करके अपना नाम खसरों में चढ़वा लिए और उसको अन्य लोगों को बिल्डरों को अच्छा माल कमाने के लिए बेचने लगे और बेच डाली और फर्जी निमंत्रण करा के रजिस्ट्रियाँ बना के जो दस्तावेज जहाँ पे भी उनको बनाने थे वो बना करके उन्होंने किया। आपने देखा होगा पिछले समय में PC सिंह इसी मुद्दे को लेकर 4 महीने जेल में रहे और सारे परिवर्तन करने के बाद उन्होंने कि आज हाल क्या हुआ। अब ये इसी तरीके की दूसरी संस्था है मेथोडिस्ट संस्था, इनके जो मेन कर्ता धरता है सब लोग हैं, इन्होंने ज़मीनों को बेच लिया है, इनके पर 2-3 FIR UOW ने पहले कर दी है, अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि और भी जो संपत्तियां हैं जिनके लिए हम लोग हाई कोर्ट गए थे उनने जांच का आदेश दिया, शासन से हम चाहते हैं कि जो भी इन्होंने घोटाले किए हैं, फर्जी दस्तावेज तैयार करके जो रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, खसरे में नाम चढ़वाएं, ये वापस होना चाहिए और ये फर्जीवाड़ा करने के लिए इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होना चाहिए और इनको जेल में।